अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माई चैनल अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब बखैर और आफ़ियत होंगे रोज़े ख़त्म होने वाले हैं और ईद शुरू होने वाली और इसके लिए अलग ही तैयारी है जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मेरे हस्बैंड गए हुए हैं एतकाफ़ के लिए कुहाड़ करबोगाशी तो घर में जो है ना मैं कम ही ठहरी हूँ कभी एक बहन के घर दावाद कभी दूसरी बहन के घर दावाद कभी भाभी कभी अम्मी कभी दूसरी भाभी तो इस वजह से मैं घर में कम ही टिक के बैठी हूँ तो बहुत ज़्यादा गन बना हुआ है और कल ईद भी है तो मैंने कहा मैं अपने कमरे की थोड़ी सी सफ़ाई कर लूँ थोड़ा अरेंज कर लूँ इधर देख लें बेड भी बिल्कुल जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है तो मैं साध हाँ में नहीं हूँ कि काम वाले के ऊपर बहुत ज़्यादा हम बोझ बने इसलिए इतने ज़्यादा हमने कपड़े भी वाश नहीं करवाया था मैंने कुछ बेड शीट टाइम पे मैं चेंज करूँगी और फिर रमज़ान के बाद ही इस बेड शीट को मैं धुलवा दूँगी तो अभी मैं अपने कमरे की सफ़ाई वगैरह करती हूँ फिर मैं आपसे शेयर करूँगी कि कमरे को मैंने किस तरीके से अरेंज किया है ईद के लिए क्योंकि हमारे घर में ये होता है कि जो मेरी सास भाजी हैं उनके जो दोनों भाई हैं वो उनके बच्चे आते हैं मिलने के लिए और इस तरीके से मेरी जो बहन है भाई हैं उनके बच्चे आते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा खासा रश होता है तो इन मैं कोशिश करूँगी कि जो कुकिंग वगैरह हो कुकिंग हमारे घर में बहुत ज़्यादा होती है जब से मेरी शादी हुई है उस वक्त से लेकर अब तक कम अज़ कम चार से पाँच डिशेज बनती हैं और कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता है ख़ास मेरे जो चाचा जी हैं जो मेरे ससुर हैं माशा अल्लाह ताल उन्हें सेहत अनुस्सी थे बहुत ज़्यादा खुश खुराक हैं चाहे खाएँ या ना खाएँ एहतमाम इन दिनों में बहुत ज़्यादा करवाया जाता है कि नहीं कम अज़ कम तीन चार डिशेस बनी हुई हों तो मेरा ईद के हवाले से जो जो बनाने का इरादा है एक तो यह है कि पापड़ी चाट बनाने का इरादा है वैसे मैं दही भले बनाती हूँ लेकिन इस दफा पापड़ी चाट बनाने का इरादा है और दिन टाइम चिकन जलफ्रेजी विद एग फ्राइड रईस बनाने का इरादा है और नाश्ते के लिए मैं हर दफ़ा मक्रोनी या स्पेगेटी बनाती हूँ तो वो साथ इरादा है और मीठे में शीर खरमा बनाने का इरादा है ये सारी चीज़ें इन शाला मैं साथ साथ शेयर करूँगी तो क्योंकि लाइट सा जो है नाम खाना खाते हैं ईद पे मिलकर जो जैसे कहते हैं हैवी सी हांडी वो नहीं और ये भी मेरी ही इतरा थी कि जो है ना हेवी हांडी ना हो इस तरह कौरमा या चिकन कढ़ाई क्योंकि बिल्कुल मुझे चाइनीज बहुत ज्यादा पसंद है तो फिर मैंने भी जो है ना कहा है कि नहीं इस तरह करते हैं चाइनीज टाइप की चीज बनाते हैं और ये इतनी हैवी नहीं होती है तो वो इंशाल्लाह साथ साथ मैं उसकी रेसिपी भी आपसे शेयर करूंगी <्ताक्ताथ> फाइनली मेरा जो रूम है वो साफ़ हो चुका है और ये जो बेडशीट आपको नज़र आ रही है बाजार तो जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगती है लेकिन ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है आ, आपको यकीन नहीं आएगा ये साढ़े सात सौ की थी और हमने नुशहरा से ली थी ये सारी कढ़ाई हुई हुई है अल्लाह का शुक्र है कि ये रूम भी साफ हो गया है बहुत ही ज्यादा कान बना हुआ था वही बात है कि इंसान घर में ना हो तो फिर वो घर घर नहीं रहता है तो अभी किचन में जाने की बारी है मैंने दूध बॉयल करने के लिए रखा हुआ है ताकि वो थोड़ा सा बॉयल हो जाए तो फिर शीर खोरमे की तैयारी की जाए तो उसकी तैयारी में मैं आपसे शेयर करूंगी जैसे कहने बताया था मैंने दूध के अंदर चीनी और इलायची डाल के इसे बॉयल होने के लिए रख दिया था और साथ ही हल्का सा मैंने घी और उसके अंदर दो इलायची डाली और सवैया थी उनको थोड़ा सा भून लिया है इससे भूनने से यह होता है कि सवैयाँ टूटती नहीं और जब दूध के अंदर इन्हें डाला जाता है तो ये अलहदा से रहती है एक हलवा सा नहीं बनता तो ये इस तरीके से मैंने भून के इनको इसके अंदर डाल दिया है और अब बस इसने बस पकना है मैंने और कुछ नहीं करना है इसके बाद मैंने छुआरा और बादाम डाले थे जो कि मैं ये कैप्चर करना भूल गई थी तो वो साथ डाल दें बहुत आसान रेसिपी पर ये जो सभी को पता होगा तो ये साथ साथ आएस ऐसा ऐसा खुद ही होता रहा है बस इसे पकना होता है अब मैं तैयारी करने लगी हूँ मकर की तो शाम को मेरे लोग ने आना होगा ईद वाले दिन शाम को क्योंकि मेरे हस्बैंड गए हुए हैं एहतिक पे तो वापस आएंगे तो वैसे ही नहीं आते होते हैं लेकिन कहते हैं कि हम मुबारक देने आएंगे तो फिर मैंने कहा चलें जो उनके लिए मकर बना दूँ तो नस्बता ज़्यादा बना रही हूँ और उसके लिए मैंने चिकन का कीमा किया है उससे टेस्ट बहुत अच्छा होता है प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर ऊपर टमाटर डाल के और दो चिकन क्यूब डाले हैं और इसके साथ ही मैं एंड में नूडल्स का टेस्ट मैं कर डालती होती हूँ उससे भी बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ता है सारा मसाला जब रेडी हो गया है तो अब मैं ऊपर जो तो चिकन का कीमा है वो डालूँगी और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करके इसको भून लूँगी और भूनने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर डालना है आलू क्योंकि वैसे तो चिप्स भी आप डाल सकते हैं लेकिन चिप्स अलहदा से अगर आप फ्राई करें तो हैवी बहुत हो जाते हैं तो मैं बस इसके ऊपर सिंपल आलू डाल दूँगी और हल्की आँच पर पकने के लिए रख दूँगी तो आलू घिरेंगे भी नहीं और पक भी जाएंगे और बहुत ज़्यादा हैवी मकर नहीं तैयार होगी जब आलू थोड़े से गिरने के करीब हो गए तो फिर मैंने ऊपर गाजरें ऐड कर ली और गाजरों को थोड़ी देर के लिए पकने दिया और उसके ऊपर मैंने सोया सास और चिली सास ऐड किया और फिर भूनने के साथ साथ ही मैंने इसके ऊपर अलहदा बॉयल कि स्वीट कॉर्न और मटर ऐड कर लिए इससे बहुत ज्यादा टेस्ट बढ़ जाता है हल्की आंच पे वो भुनते रहे और फिर सबसे अहम मैंने ऊपर मैकरोनी ऐड कर ली और अब बारी आती है पावड़ी चाट की तो मैंने कहा चलें पावड़ी चाट के लिए पावड़ी को मेरादी को फ्राई कर लूं बाकी तैयारी सुबह कर लेंगे ये मेरी चांद रात की तैयारी थी इससे ज़्यादा की हिम्मत मेरी नहीं थी चिकन को मैंने मेरीनेट कर लिया था सुबह चिकन जल के लिए और चाट के लिए पापड़ी तैयार कर दी थी फिर इसके बाद तरीबा सवा दो बजे मैं लेट की थी हस्बैंड की भी फिक्र थी क्योंकि वो गुहाट से निकले थे और अटक पहुँचते पहुँचते सुबह उनके पाँच हो गए थे तो सारी रात ईद जागते गुजरी है तो अब ईद कैसी है मेरी वो मैं इनशाला इससे अगली वीडियो में आपसे शेयर करूँगी तो समझ लें कि ईद सीरीज का पार्ट टू जब आएगा तो वो उसमें मैं ईद के दिन की सारी मसरूफियात आपसे शेयर करूँगी आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई क्योंकि मुझे वीडियो पसंद है इसको लाइक करें शेयर करें बेल आइकन को हिट करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे मिलते हैं ईद के पहले दिन के साथ